हाँ जी नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 53 रहेगा। तो चलिए जी सबसे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं, ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा यूपीएससी बैच लॉन्च किया गया है और इस कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है, इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। जब आप ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको यूपीएससी बैच के बारे में और ग्रैंड मास्टर 360 के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी और आपको ये भी पता चल जाएगा वहां पर कि कौन कौन सी फैकल्टीज जो हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपके साथी बंधु एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। 10 महीने का ये कोर्स रहेगा, क्लासेस उनकी भी शुरू हो गई हैं और क्लासेस यूपीएससी बैच की भी शुरू हो गई है। 1 मई से ही शुरू हुई थी सभी की क्लासेस, इसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है, तो संपर्क कर सकते हैं बेझिझक बिना चिंता किए। अब चलो जी चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से बताएं कि कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2019 में पूछा गया था एक बार। तो चलो जी हमें बात करनी है महायान बौद्ध मत के बारे में, तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है। समझने के लिए हमें जाना होगा चौथी बौद्ध संगीति को समझने के लिए। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में हुआ, कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के सानिध्य में, और बात है ये 78 ईस्वी की। और इस चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने हुए थे, तो नाम आता है वसुमित्र का। और इस चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन बने हुए थे, तो नाम आता है अशव घोष का। दोनों ही बेहतरीन बुद्धिज्म के विद्वान व्यक्ति थे, दोनों ही अच्छे राइटर भी थे। अब जैसे बात करते हैं इस चौथी बौद्ध संगीति में ही बुद्धिज्म के दो भाग हो गए थे, एक भाग महायान कहलाया और दूसरा भाग जो था वो हीनयान कहलाया। हीनयान को मानने वाले वो लोग थे, यानी कि हीनयान संप्रदाय के लोग वो थे जो ये कहते थे कि महात्मा बुद्ध एक समाज सुधारक हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध को जिन्होंने समाज सुधारक की कैटेगरी में रखा, जिन्होंने उनको एक दार्शनिक के रूप में समझा, वो कहलाए हीनयान के लोग। और जिन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध तो देवता थे, यानी कि उन्होंने मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी, तो वो कहलाए महायान परंपरा के लोग। मूर्ति पूजा शुरू कर दी जिन्होंने, वो थे महायान की परंपरा वाले। और हीनयान के जो थे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उनको एक समाज सुधारक के रूप में ही समझा। तो अब जैसे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखा है, बुद्ध में देवतारोपण, यानी कि महायान बौद्ध मत के बारे में बताना है आपको, तो बुद्ध में देवतारोपण ये बात ठीक लिखी हुई है। महायान परंपरा के अनुसार ये ठीक है, क्योंकि महायान परंपरा के लोगों ने महात्मा बुद्ध को देवता स्वरूप समझा था और उनकी क्या कर दी थी, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो तीसरा पॉइंट भी ठीक है, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। अब दूसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे, बौद्धि स्तव पर चलना, ये पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। इसमें बौद्धि स्तव के पथ पर चलने की भी बात कही गई है। महायान गुणों के स्थानांतरण को भी मान्यता देता है, तो महायान बौद्ध मत की ये तीनों की तीनों ही विशेषताएं हैं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यूपीएससी 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है, हुंडी की परिभाषा बताता है, तो वो बताएं कमेंट में कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा।
ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, यूपीएससी में। और बात है ये 2020 की, जब ये पूछा गया तो इसमें जिन्होंने लिखा होगा ना सी ऑप्शन, विनिमय पत्र उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हुंडी को विनिमय के परिमाण में क्या है प्रस्तुत किया जाता था, विनिमय प्रमाण के लिए, यानी कि विनिमय का मतलब क्या होता है लेन देन। तो लेन देन के लिए क्या है इसी शब्द का प्रयोग होता था, व्यापार में अगर कोई ऋण लेना होता था तो ये शब्द जो है वो प्रयोग में लाया जाता था। तो सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका ठीक रहेगा, यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन था। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया, इसमें से जल्दी बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था, जिन्होंने लिखा होगा ना 26 जनवरी 1950, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यही वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, उसी दिन हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। और हमारे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन हमने राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपना लिया था। और ये आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा नेशनल एम्बलम, यानी कि हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो हमने कहां से लिया है, तो ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये मूल फोटो किसकी है, ये सारनाथ स्तंभ अभिलेख की फोटो है। सारनाथ स्तंभ अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और ये मौर्य वंश के सम्राट अशोक से संबंधित है, तो सम्राट अशोक से संबंधित सारनाथ स्तंभ अभिलेख की ही एक प्रतिकीर्ति हमने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार की हुई है। इसमें यहां पर आप देख पा रहे होंगे 4 शेर हैं, लेकिन हमें दिखते कितने हैं, दिखते हैं केवल 3, इसके पीछे भी है एक, तो 4 शेरों में से 3 दिखाई देते हैं। यहां पर देख लीजिए ये चक्र बना हुआ है, इसे कहते हैं हम अशोक चक्र, ठीक है। और इधर देखेंगे तो यहां पर घोड़ा बना हुआ है, सांड बना हुआ है। तो इसकी ही हमने एक प्रतिकीर्ति यानी कि इसकी ही एक कॉपी हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार की हुई है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये रहा अशोक चक्र, ये यहां पर घोड़ा बना हुआ, सांड बना हुआ, और ये 4 शेर जिनमें से 3 हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें हमने एक चीज प्लस में ऐड की हुई है, वो क्या है, वो है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद। और वैसे जब बात की जाती है इसका, अगर हम संधि विच्छेद ना करके इसको अगर इकट्ठा लिखें, तो यहां पर देखिए क का उच्चारण करेंगे तो किसका उच्चारण होता है, ए का, और प्लस में ऊ का उच्चारण करें, ए प्लस में ऊ को मिलाएं तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। इसी वजह से इसको अगर संधि करके लिखें तो क्या लिखा हो सकता है, मुंडकोपनिषद। आपने हिंदी में नियम पढ़े होंगे तो कभी कभार आपको मुंडकोपनिषद भी पढ़ने को मिलेगा, और अलग अलग संधि विच्छेद करते हुए मुंडक उपनिषद भी पढ़ने को मिलेगा। उसी मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। यही सत्यमेव जयते हमने देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे को हम नेशनल एम्बलम बोल देते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कलर में मैंने आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये उठाया है, ठीक है, सत्यमेव जयते। तो वैसे अगर उपनिषदों की बात की जाती है, उपनिषद कितने हैं, टोटल 108 हैं। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद का नाम आता है, बृहदारण्यक उपनिषद। लेकिन जब हम बात करते हैं उपनिषदों में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो नाम आता है मांडुक्य उपनिषद। तो इन दोनों में अंतर है, मांडुक्य उपनिषद अलग है और मुंडक उपनिषद अलग है, ठीक है ना। तो चलो जी अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके बारे में भी आप बताने का प्रयास करेंगे। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा ठीक रहेगा। सूची एक में पत्र और पत्रिकाएं बताई गई हैं, सूची दो में लेखकों के नाम दिए गए हैं।
तो कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा बताने का प्रयास करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, तो आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस संविधान सभा में जो संघीय समिति थी उसके भी अध्यक्ष रहे, और संविधान सभा में ही इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, वही इनका प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना का एक स्वरूप बना था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। एक इनकी रचना और भी है, नाम आता है माई स्टोरी, ठीक है, और एक नाम आता है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये भी क्या है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व इतिहास के प्रति इनकी जानकारी जो थी वो बखूबी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे चलते हैं हम मिरात उल अखबार के बारे में जानने के लिए। मिरात उल अखबार किससे संबंधित है, तो राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता है इन्होंने मिरात उल अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया था, तो बात है ये 1822 की। तो जब हम राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 1772 में, और इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा अगर हम जिक्र करें तो 1815 में इन्होंने क्या किया था, आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक है। और जैसे बात करते हैं 1821 में इन्होंने एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये कौन सी भाषा में थी, ये बांग्ला भाषा में थी। और अगले साल इन्होंने 1822 में मिरात उल अखबार का प्रकाशन शुरू किया, और ये मिला मिरात उल अखबार कौन सी भाषा में था, तो ये फारसी भाषा में था। तो फारसी भाषा का भी इनको बखूबी ज्ञान था। इस प्रकार इन्होंने कई काम किए। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। पहले जब इसकी शुरुआत की गई तब इसका नाम ब्रह्म सभा था, लेकिन बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज पड़ गया, तो इसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1829 में इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया, सती प्रथा का उन्मूलन। और उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था, विलियम बेंटिक का नाम आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो नाम आता है एक मुगल शासक का, और वो मुगल शासक कौन था, तो अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, और इनको कहा कि वो ब्रिटेन में जाए और उनकी सिफारिश करे, क्योंकि मुगल शासक अकबर सेकंड की उन्होंने पेंशन कम कर दी थी इसी वजह से। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं द रिवोल्यूशनरी के बारे में, ये किससे संबंधित है, तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल से संबंधित है। और इनके जैसे हम बात करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल की, ये काकोरी ट्रेन एक्शन से भी जुड़े हुए थे। काकोरी ट्रेन एक्शन में कईयों का नाम आता है, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, और एक नाम इन्हीं का आता है सचिंद्र नाथ सान्याल का। इनको उम्र कैद हुई थी और इन्होंने अपना जीवन बंदी के रूप में गुजारा, तो इन्होंने एक रचना भी लिखी बंदी जीवन। तो बंदी जीवन भी किससे संबंधित है, सचिंद्र नाथ सान्याल से। और द रिवोल्यूशनरी किससे संबंधित है, ये भी सचिंद्र नाथ सान्याल से। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब जैसे हम बात करते हैं भारत दुर्दशा के बारे में, ये किसके द्वारा लिखित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। अब इसको सुमिलित करने का प्रयास करेंगे आप सभी, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा देखिए। तो यहां पर एक सेकंड इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, A4 B3 C1 D2, यानी जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलो जी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सिविल सेवा में प्रवेश के लिए
पात्रता की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। तो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए अधिकतम आयु। तो ऐसा कौन सा वो अधिकारी था जिसने 21 वर्ष से घटाकर उम्र 19 वर्ष कर दी, जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये लिटन जो है, लिटन का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 1876 से लेकर 1880 तक रहा। यही है वो लिटन जिसने आते ही एक साल बाद 1877 में सिविल सेवा की पात्रता के लिए जो उम्र 21 वर्ष रखी गई थी उसे घटा दिया और 19 वर्ष कर दिया, ताकि कंपटीशन जो है वो कम हो जाए। 19 वर्ष पहले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ना। यही है वो लिटन जिसने आने के दो साल बाद यानी 1878 में क्या किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करवाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करवाया किसने, लिटन ने। और इसका मुख्य मकसद क्या था, मुख्य मकसद था कि भारत में भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा देना। और फिर क्या है, इस लिटन के बाद एंट्री होती है रिपन की, और ये जो रिपन था, रिपन 1880 से लेकर 1884 तक रहा। इस रिपन को थोड़ा सा उदारवादी अधिकारी कहा जाता है, क्योंकि इसने आते ही 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया था। ठीक है, निरस्त कर दिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, जिसको शुरू किया था लिटन ने। तो ये पॉइंट आपका हो गया कवर। उसके बाद में जैसे हम बात करते हैं डफरिन के बारे में, ये जो डफरिन था वो 1884 से लेकर 1888 तक रहा। इसी डफरिन के टाइम पीरियड के दौरान 1885 में 28 दिसंबर को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इनका पहला अधिवेशन भी कहां पे हुआ, मुंबई में ही हुआ, जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था। और उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। ठीक है, पहला अधिवेशन जो हुआ 1885 में, उसमें अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो वो सारी की सारी घटनाएं किसके समय की हैं, तो वो डफरिन के समय की ही हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्लियर हो गया। उसके बाद में जैसे हम बात करते हैं इस डफरिन के बाद में किसकी एंट्री होती है, तो ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम क्या है, लेंसडाउन। ये जो लेंसडाउन है वो कब से कब तक रहा, तो 1888 में आया ये, और 1888 से लेकर ये 1894 तक रहा था। इसी लेंसडाउन के टाइम पीरियड के दौरान कारखाना अधिनियम लाया गया था, कारखाना अधिनियम 1891। कब की बात है ये, उस समय जब लेंसडाउन था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जब लाया गया, तब भी लेंसडाउन का ही टाइम पीरियड चल रहा था। और डुरंड आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है, ये बात है 1893 की, और उस समय भी कौन था, लेंसडाउन का ही टाइम पीरियड चल रहा था। अब चलो जी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश संसद का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। तो इसमें आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो जैसे हम बात करते हैं, इसका नाम आएगा, इसमें नाम आएगा दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ही वो पहले व्यक्ति थे जिनको एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिका का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, और इन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य भी निर्वाचित किया गया। जिस प्रकार हम भारतीय संसद की बात करते हैं, तो भारतीय संसद के कितने हिस्से हैं, तो आपको पता है इसमें राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, तो ये भारतीय संसद के क्या हैं, भाग हैं। राज्यसभा जो है उसे हम हमारे सदन का उच्च सदन बोल देते हैं, भारतीय संसद का उच्च सदन। और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, इसे हम निम्न सदन का नाम देते हैं। उसी प्रकार जब ब्रिटिश संसद की बात की जाती है, तो
वहां भी उच्च सदन बना हुआ है और वहां भी क्या है, एक निम्न सदन भी है। तो जब हम उन सदनों की बात करते हैं तो उच्च सदन को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जब हम बात करते हैं निम्न सदन के बारे में उसे कहते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन। तो आप ये बताएंगे कि जो ये दादा भाई नौरोजी थे ये कौन से सदन के लिए निर्वाचित किए गए थे? तो इनको निर्वाचित किया गया था हाउस ऑफ कॉमन के लिए, यानी कि ब्रिटिश संसद के निम्नतम सदन के लिए। दादा भाई नौरोजी इन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल की तरफ से इन्होंने ये चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका यहां तक, बहुत बढ़िया। और हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दूसरा हो रहा था, आपको पता है स्थापना कब हुई थी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी कब हुआ, पहला 1885 में ही हुआ, और कहां पे हुआ, बॉम्बे में हुआ। इसमें अध्यक्षता करने वाले तो आपको पता ही है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और अगले साल 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहते हैं, जो कि कोलकाता में हुआ था। और इस कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, नाम था उसका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक लगभग 1901 के आसपास प्रकाशित हुई थी, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। और जब हम इस पुस्तक की बात करते हैं तो इस पुस्तक में इन्होंने धन के पलायन के बारे में बताया है, धन के पलायन का सिद्धांत जो दिया था दादा भाई नौरोजी ने, कौन सी पुस्तक में दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत से धन लेकर चले जा रहे हैं, किस प्रकार हमारे भारत से धन जो है वो पलायित हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। और इन्हीं के बारे में एक पॉइंट आप और ऐड कर लेंगे, इन्होंने एक गुजराती पत्रिका का प्रारंभ भी किया था, गुजराती भाषा में पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो नाम लिख देना दादा भाई नौरोजी का। और उसका नाम क्या था? तो नाम आता है रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार का प्रारंभ इन्होंने ही किया था। तो ये पहले व्यक्ति थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित के और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गोफ्तार का क्या किया था, आप कह सकते हैं प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने पुस्तक भी लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं बाकी पॉइंट के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो आपको पता ही होगा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में बनारस में हो रहा था तो उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले का। और 1906 में फिर से कोलकाता अधिवेशन हुआ और उसमें भी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और महात्मा गांधी जो थे ये महात्मा गांधी जी के गुरु हुआ करते थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इनको अपना गुरु मान लिया था। तो गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये पॉइंट आपका कवर हो गया। बाल गंगाधर तिलक की बात की जाती है तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के गरम दल के नेता। तो जब हम बात करते हैं इनका स्वभाव गरम था, ये कहते थे कि हमें अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और इनके साथी भी थे, तो एक का नाम आता है लाला लाजपत राय का, और बाल गंगाधर तिलक ये हो गए, और विपिन चंद्रपाल, लाल बाल पाल, इनकी तीनों की तिगड़ी हुआ करती थी। ये बड़े ही महत्वपूर्ण उस समय के नेता थे। और जैसे हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
इन्होंने आर्यों के बारे में क्या कहा था? इन्होंने आर्यों के बारे में कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे, यानी कि तिब्बतन आर्यन सिद्धांत दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किसने किया? तो भी नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इनसे संबंधित बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब चलो जी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सा ब्रिटिश अधिकारी कार्यरत था? तो आपके सामने यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताएं। जब हम बात करते हैं चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध की, तो ये कब हुआ था, कब की बात है ये? जिन्होंने लिखा होगा इसमें ऑप्शन वेल्जली, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। वेल्जली का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक रहा? तो 1798 से लेकर 1805 तक रहा। इसी वेल्जली के टाइम पीरियड में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, बात है ये 1799 की। और इस युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और बाद में जो मैसूर राज्य है वो किसके हिस्से में आ गया? तो वहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना विस्तार किया, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। वैसे अगर देखा जाए टोटल कितने युद्ध हुए थे मैसूर के साथ, टोटल कितने युद्ध हुए मैसूर के साथ? कैसे तो नाम क्या लिखेंगे आप? चार, प्रथम आंगल सिख युद्ध, सॉरी प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, ये काफी समय पहले हुआ था। फिर दूसरा जब हुआ तो उस समय कौन सा यहां पर अधिकारी बनकर आ गया था? उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड की बात है। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1773 से लेकर 1785 तक रहा ये वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर भी रहा और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा। इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1780 से लेकर 1784 तक चला था। जब हम बात करते हैं कॉर्नवालिस के बारे में, इस कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1793 तक रहा। इसके टाइम पीरियड के दौरान तीसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1790 से लेकर 1792 तक चला, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। और फिर जैसे बात करते हैं तृतीय जो आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बारे में तो नाम आएगा कॉर्नवालिस का, और चतुर्थ के बारे में लिखा जाए तो बेल्जली का नाम आप लिख देना। ऑप्शन ए लिखा हुआ है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इस मिंटो फर्स्ट का टाइम पीरियड 1807 से लेकर 1813 तक रहा था। इसी मिंटो फर्स्ट के समय में एक संधि हुई थी जिसे हम कहते हैं अमृतसर की संधि। और ये अमृतसर की संधि कब हुई? तो आप कहेंगे 1809 की बात है ये। किस किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी। सिखों की तरफ से कौन आए थे हस्ताक्षर करने के लिए? महाराजा रणजीत सिंह। और जब हम बात करते हैं अंग्रेजों की तरफ से मध्यस्थता किसने की थी, तो नाम आता है मेंटकॉफ का। तो मेंटकॉफ अध्यक्षता कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से इस अमृतसर की संधि में, जो कि लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में हुई थी। इस प्रकार आपको बिंदु ये ध्यान में रखने हैं। अब चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित है, तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। ये भी जो क्वेश्चन है आपका यूपीएससी में पूछा गया था, जल्दी से बताएं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है? तो आप कहेंगे ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। लगभग 30 जो है ये पत्थरों से काटकर बनाई हुई हैं, तो बुद्धिज्म की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप कहेंगे औरंगाबाद जिले में है ये, औरंगाबाद जिला। यूपीएससी में पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन। बोधि स्तव की बात की जाती है, तो बोधि स्तव का मतलब क्या होता है? बुद्धिज्म की परंपरा में ये शब्द होता है बोधि स्तव। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम बुद्धिज्म की परंपरा की बात करते हैं तो
अंतिम जो लक्ष्य है वो जीवन का क्या है, वो है निर्वाण। अब निर्वाण का मतलब क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो संसार से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपनी जो एक शांति है उसे छोड़कर वो बाकी लोगों को भी उस रास्ते पर लेकर आए, उसे कहते हैं बोधिसत्व, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति कर ली बोधि वृक्ष के नीचे। वो चाहते तो अपना शांति में आप कह सकते हैं ध्यान लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज को भी यानी कि बाकी लोगों को भी आगे लाने का प्रयास किया और इस रास्ते पर चलाने का प्रयास किया, इसे कहते हैं निर्वाण। और जैसे हम आधुनिक भारत की बात कर रहे होते हैं तो आधुनिक भारत में एक महानतम नेता हुए थे, नाम है उनका बाबा साहब अंबेडकर। तो आपने नाम सुना होगा, जब बाबा साहब अंबेडकर का हम जिक्र करते हैं तो उनके नाम के आगे लगा होता है बोधिसत्व, बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ऐसे लिखा होता है। इसका कारण क्या है, इनको भी क्या है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इनके पास सब सुख सुविधाएं आ चुकी थी। अगर वो चाहते तो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर वो प्रयास किए जिसके तहत जो भी वंचित वर्ग है उस वंचित वर्ग को आगे लाया जाए, ठीक है ना। जो इनको मिला उन्होंने ये भी चाहा कि ये सब उन लोगों को भी मिले जो अभी मुख्य धारा में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको बोला जाता है कि हमारे पास जो है वो होने के बावजूद भी हम ये चाहें कि बाकी लोगों को भी वो मिले। तो इसी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को क्या बोला जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है। तो ये मतलब होता है बोधिसत्व का, तो ठीक है ना। इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप जो है वो ये करके लेकर आएंगे, जाट गजट का प्रकाशन कब किया गया था, जल्दी से बताएंगे। चलो बता ही देते हैं, जिन्होंने लिखा होगा ना 1916 उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, और ये बात है 30 मई 1916 की। 30 मई 1916 को जाट गजट जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था इसका प्रकाशन शुरू किया गया था, और किसके नेतृत्व में, तो आपने नाम सुना होगा चौधरी छोटूराम, चौधरी छोटूराम के नेतृत्व में इसका क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। और जैसे साप्ताहिक समाचार पत्र था तो ये सप्ताह में एक बार आया करता था, और वो सप्ताह का दिन कौन सा था, तो वो दिन था मंगलवार का। ये मंगलवार में क्या है पब्लिश हुआ करता था, और कौन सी भाषा में, एक सेकेंड, मंगलवार, ठीक है ना, मंगलवार को कौन सी भाषा में था, ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, क्लियर है। इस प्रकार हमें ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहेंगे। और यूपीएससी बैच लॉन्च किया जा चुका है ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा, और यहां पर आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है नहीं, तो आप क्लासेस के लिए ये बैच खरीद सकते हैं। और यहां पर क्या है, 18 महीने का ये कोर्स रहेगा जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और यहां पर मेल आईडी भी प्रोवाइड करवाई गई है, और इसी के साथ में यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और भी ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको कौन कौन सी फैकल्टी जो है वो टीच करेंगे उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ग्रैंड मास्टर 360 के बारे में भी आपको और ज्यादा जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो इसी प्रकार क्या है, अभी ये क्लासेस चल रही हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 तारीख से क्लास शुरू हुई थी, 1 तारीख से जो क्लास शुरू हुई उनके लिए 3 डेमो क्लासेस थी, तो अभी यानी कि क्लास रेगुलर शुरू हो चुकी है, तो एक बार आप विजिट करके देखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। चलो जी, मिलेंगे हम